ना कोटा का आंदोलन है, ना नौकरी मिलने का आंदोलन है, ये भारत माता को बचाने का आंदोलन है जिसमें आप आए हैं, इसलिए वंदन करता हूं। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उन जो अनुभव किया हूं उसको आपके सामने रखा हूं। बहस करके आए हो आप यहाँ आने से पहले, एक का आर्टिकल 35 है और दूसरा का प्रोक्लेमेशन। सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईए है हमारी, उसमें स्पेसिफिक चार मांगे। माननीय गिरिराज जी, अभी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा मंत्री जी को। माननीय मंत्री जी, माननीय गिरिराज जी, अभी हमारे देश में हिंदू के लिए शादी करने की उम्र अलग है, मुसलमान के लिए अलग है। मतलब हिंदू की लड़की को 18 साल में शादी योग्य बनती है और मुस्लिम की लड़की 16 साल में शादी योग्य बन जाती है। क्यों क्यों भाई? और जब पूरे देश में जेंडर जस्टिस की बात हो रही है, जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, जब महिला पुरुष की समानता की बात हो रही है, तो क्यों ना सबकी उम्र 21 साल हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख हो चाहे ईसाई, शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट में मैंने इसीलिए याचिका फाइल किया है कि जो धर्म के आधार पे और लिंग के आधार पे महिला पुरुष के बीच में शादी का भेद है, शादी के मिनिमम एज का, जो हिंदू और मुसलमान के लिए मिनिमम एज का डिफरेंस है कि हिंदू की लड़की की उम्र 18, हिंदू के लड़के की उम्र 21, मुसलमान के लड़के की लड़की की उम्र 16 और उसकी 21, ये नहीं। ये भारत सेकुलर कंट्री है, शादी की उम्र एक होनी चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए, मिनिमम एज सबकी 21 होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो 21 होता है तब तक दो दिन पैदा हो चुके होते हैं। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे सुरेश जी बैठे हैं, कश्मीर तक एक आवाज देने का काम किया। वैसे जिन्होंने कोई चैनल खोलता है, चलाता है, वो घाटे नाफे का हिसाब करता है, लेकिन सुरेश चौहान ने कभी इसकी चिंता नहीं की। मैं इनकी बातों को भी सुना और सुनते रहता हूं, मैं इनको भी नमन करता हूं। मैं अश्विनी उपाध्याय जी, जो तकनीकी दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बुद्धिगत दृष्टि से आपके चीजों को समय समय पर बढ़ाते रहते हैं, मैं प्रमोद बंसल जी, भूपेन चौधरी जी, डॉक्टर हरपाल, श्री अमर दत्त जी, श्री महेश जी, श्री नरेंद्र जी, श्री राजेश जी, श्री राहुल पांडे जी, श्री राहुल जी महाराज गुरु जी, और मैं पहले आप सबों को नमन किया, अंत में मैं नमन करता हूं अनिल चौधरी और ममता सहगल को। मैं तो गेस्ट आर्टिस्ट की तरह आता हूं, मन सजा होता है, कभी कुछ बोल दिया, कभी कोई राग सुना दिया, चल दिया, लेकिन जो व्यक्ति आपके साथ कई कई दिनों तक अपने बच्चों का मुंह देखे बगैर, अनिल चौधरी से भी ज्यादा मैं ममता सहगल को तो महिलाओं के लिए जी होता। मैं आपको ये वादा करता हूं, ये लड़ाई भारत के अस्तित्व की लड़ाई है, ये लड़ाई सनातन के अस्तित्व की लड़ाई है, भारत की पहचान की लड़ाई है। ये महाजनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं है, जिस दिन भारत के अंदर
हिंदुओं की जनसंख्या गिर गई, उस दिन भारत का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। कई संत महाराज जी हैं, मैं एक बार महामंडलेश्वरों की मीटिंग में था, बैठक में, मुझे उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह जी आपने धोखा दिया है। हमने कहा महाराज मैंने क्या धोखा दिया? भैया पीछे आ जाओ। राम मंदिर नहीं बनाया। हमने कहा महाराज राम भक्त बचेगा तब तो राम मंदिर की सेवा होगा। कहा खबरदार, मैं चुप हो गया डर से, क्यों संत से डरता हूं। सारे महामंडलेश्वर कहे गिरिराज जी बोलिए। मैंने कहा चौबे गए छब्बे बनने दुब्बे बन के लौटू, कहीं ये श्राप दे दिए मुझे तो मेरा सब नाश हो जाएगा, पहले वो मुझे माफ करे तब मैं बोलू। सारे संतों ने कहा नहीं आप बोलिए। हमने कहा मेरे एक प्रश्नों का उत्तर दें। आपने कहा ये सनातन है, ये सनातन धर्म है, ना इसका आदि है, ना इसका आदि है ना अंत होगा। हमने कहा महाराज जी मैं आपकी बात से सहमत, लेकिन एक बात मुझे बता दे, जब मैं कोई अनुष्ठान करता हूं तो पंडित लोग धर्म के आचार्य लोग हाथ में गंगा जल देते हैं और अक्षत देते हैं, कहते हैं बोलिए आर्जा व्रत जम्बू दीप भारत खंड दिल्ली देशांतर या जहां रहे। मैंने कहा महाराज ये झूठा संकल्प आप दिला रहे हैं वर्षों से, आज भी आर्जा व्रत है, चाहे वो अफगानिस्तान के रूप में हो ईरान के रूप में हो, जनमानस है लेकिन सनातन नहीं है। जम्बूद्वीप तो है, इधर श्रीलंका से लेके सारे को देखें, आज हम नहीं, भारत खंड है, लेकिन क्या ये सच नहीं है? कश्मीर से हम भाग गए, और अगर आप चले जाएं बिहार जिस प्रांत से मैं आता हूं उसकी एक कमिश्नरी का नाम है पूर्णिया, उसके चार जिलों में हम गिर गए हैं और वहां से आठ राज्य चले जाएं, चाहे वो बंगाल हो चाहे आसाम हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हम गिर गए, फिर भी कहते हैं यार देश तो तुम आवाज से कहे दो स्थिति है। ये हम आज से मुगलों के पहले हम जातियों में विभक्त नहीं थे, गवाह है, पुराण गवाह है, हमारे यहां मुगलों ने आकर के हमें जातियों में विभक्त किया। भी करे यार जातियों में तोड़ा, अंग्रेजों ने और भी विखंडित किया, और जब से ये राजनेता आए इन्होंने तो मुझे टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। जब मैं पूछता हूं कि ये कौन है तो कहता है मैं जाट हूं, पहले तो कहता मैं मराठी हूं, मद्रासी हूं, पंजाबी हूं, बिहारी हूं, उत्तराखंडी हूं, उसके बाद कहता ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये सैनी है, ये गुज्जर है। हमारी पहचान जातियों से करती है,
और जातियों के बाद राजनेताओं ने तो गोत्रों में हमें बदल दिया। आज हम वेद की ओर अगर नहीं गए तो भारत का उस कालखंड में अगर हम नहीं गए, हम ये नहीं कहते कि जात को छोड़ दो, जात हमारी पहचान है, लेकिन जात के साथ हमने अगर अपने धर्म को सनातन को नहीं जोड़ा तो भारत की पहचान मिट जाएगी। मैं यही प्रार्थना करने आया हूं आपसे। 1952 में क्या हुआ, 47 की आजादी के बाद कांग्रेस हमसे जब पत्रकार पूछते हैं राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं कहता हूं थोड़ा इतिहास में चले जाए, राम मंदिर तो बनने से कोई नहीं रोकेगा जिस दिन भारत का 100 करोड़ हिंदू उठ खड़ा होगा। लेकिन देश के उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू ने मुगलों और अंग्रेजों के बाद जो हिंदुओं को छलने का काम किया, उस समय चुनाव में जो खड़े हुए मुसलमान, खड़े हुए मुसलमान के नाम से, हिंदू खड़े हुए जात के नाम से, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? और वो जात धीरे धीरे हिंदुओं को तोड़ दिया। आज देख रहे हैं देश हिंदुत्व की बात राजनीतिक दलों के एजेंडे में नहीं है। कोई कहता मुझे वो आरक्षण दे दो, कोई कहता, जो लोग आज कह रहे हैं एक साजिश चल रही है देश में हिंदुओं को खंडित करने का, वो है हमारे जो एससी भाई हैं, उनको कहते हैं मुस्लिम दलित भाई भाई। उनके जुबान से ये नहीं निकलता कि कश्मीर के अंदर जो हमारे वाल्मीकि भाई है उन भाइयों को आज तक मान्यता नहीं मिला है, उसके ऊपर इनका जवाब नहीं खुलता। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को तोड़ने के लिए उन्हें कहते मुस्लिम हिंदू भाई भाई, कहां से होगा भैया? एक गाय को पूछता है, गाय को खाता, दोनों में दोस्ती होगी क्या? ये समानता नहीं विषमता है। अगर हमने इस विषमता के को नहीं देखा, नहीं पहचाना, हमारे राजनेता कहते हैं गिरिराज जी इतना खुल के नहीं बोलना चाहिए, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं। हमने कहा कि राजनीतिक व्यक्ति हूं तो क्या सच को अभी कहूं कि धूप नहीं उगा है, मैं कहूं कि शाम को 6 बजे अंधेरा होने वाला है, अभी नकार जाऊं? आज देश के अंदर में अगर जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि मोदी तो बनाना बन जाएगा, लेकिन ये देश के वोट के सौदागर जो हर कानून में वोट दिखाई देता, ट्रिपल तलाक, अभी अभी मैं पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे गिरिराज जी कांग्रेस के एक सांसद ने कहा ट्रिपल तलाक जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसे निरस्त कर देंगे। हमने कहा कांग्रेस के डीएनए में वोट है, अगर वो बन चले तो वोट के लिए देश को गुलाम कर दे, पाकिस्तान से गले लगता है, आतंकवादियों का मुंह पोछता, उसके जब गले जाकर के अलगाववादियों से उसके लोग मिलते। इसलिए मैं ट्रिपल तलाक, महिलाओं के उत्पीड़न का सवाल है, वो वोट के लिए कुछ भी कर सकता, क्योंकि कठमुल्ले ने 3 तलाक का विरोध किया है। इसीलिए आज कहते लोग कि मैं तो चाहता हूं सड़क से लेकर संसद तक जब तक लड़ाई नहीं होगी, ये कानून नहीं बनने देंगे वोट के सौदागर। सुरेश जी बता रहे थे इतने देशों में मुस्लिम में कानून है, मैं तो कह रहा हूं दुनिया के 22 मुस्लिम देशों में जनसंख्या नियंत्रण लेकर के काम है। बगल का पाकिस्तान वो भी जोर जोर से बोलता,
बगल का बांग्लादेश वो भी बोलता, और भारत में जब आवाज उठती तो मीडिया के मित्र भी पूछते क्या आप एक धर्म के लोगों के प्रति करना चाह रहे हैं। हम कल अगर मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हैं तो मैं उनके प्रति कह रहा हूं जिनको भारत के प्रति प्रेम नहीं है, जिनको अपने धर्म के प्रति प्रेम है, जो भारत के विकास में बाधक बनना चाहते हैं, जो भारत की अस्मिता को खतरे में डालना चाहते हैं, हाँ उसके खिलाफ हूं। मुझे लोग कहते हैं कि गिरिराज जी आप कुछ कटु बोलने लगे। भैया पता लगा लो मैं कटु क्यों वो कहां से बोलूंगा, मैं बिहार से आता हूं, मेरे गांव में 99% हिंदू समाज है, 99.5%, और 99.5% वहां कोई आपस में काका चाचा दादा नाना नानी सभी रिश्ते हैं। करोड़ की मस्जिदें बनी है, कोई नहीं पूछता। पत्रकार जो मुझसे कटु कह रहे थे वो हैदर साहब थे मेरे बिहार में, शेखपुरा जिले में। मैंने कहा हैदर भाई कोई नहीं पूछता कि ये पैसे कहां से आए, पाकिस्तान ने भेजा, अरब ने भेजा या विदेशी ताकतों ने भेजा, क्योंकि तुम्हें तो तुम्हारी आर्थिक हालात ठीक नहीं है, तुम कुछ ही हो, ये कहां से बना। हमने कहा ये हिंदू मन है, क्योंकि मेरे डीएनए में सौहार्द है। संतु सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामय कहते हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा कि बेटा चींटी को गुड़ खिलाओ पुण्य होगा, वृक्ष को जल दो पुण्य होगा, और तो और सांप को दूध पिलाओ जैसे अभी हम पिला रहे हैं। गिरिराज सिंह जी, इसलिए मेरे खून में कट्टरपंथी नहीं हो सकता। भारत का कोई हिंदू चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसके डीएनए में सौहार्द है, क्योंकि हमारे धर्म कभी कहा नहीं, कट्टरपंथी नहीं सिखाया, हमने तो सर्वे भवन्तु सुखना कहा। हम तो एकादशी जो किया वो भी हिंदू, जो एकादशी नहीं किया वो भी हिंदू। लेकिन इस्लाम में क्या है, जो इस्लाम को नहीं माने वो काफिर है, जो काफिर है उसे जिहाद करो, और जो मान ले नवाज और जकात दे दे उसे माफ कर दो। तो भैया याद रखना, देश के हालात जो बदल रहे हैं, अभी मैं बंगाल गया था, बंगाल के एक मथुआ समाज है, मथुआ समाज पाकिस्तान से आए थे, हिंदू हैं, उन्हें वहां की सरकार ने धमकाया डराया अफवाह फैलाया कि बीजेपी की सरकार एनआरसी में तुम्हें निकाल देगा। मैं गया, मैंने कहा दुनिया की कोई ताकत नहीं कि तुम्हें कोई यहां से निकाल सके जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी है, क्योंकि मैंने तो कानून बनाया है दुनिया के तमाम हिंदू जो कहीं भी हो तुम आओ, ये भारत की भूमि तुम्हारी मातृभूमि है, तुम्हें गले से लगाएंगे। कुछ कुछ दिखाई दिया, उस समय मैं चश्मा लगाए हुए था तो भी नहीं दिखाई दे रहा था, जब पूछा तो सारी बहुत सारी हाथें उठे, जब कहा एक तो पूरा फील्ड की हाथें उठ गई। मैंने कहा उनका, कहा उनका तो 6-8 से कम नहीं। हमने कहा भैया इतिहास को पढ़ो, जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों के लिए गैस का चैंबर बनाया था और उनको उसमें मारने का काम किया था, ये सांस्कृतिक गैस चैंबर बनाएंगे। मैंने बंगाल के उन मथुआ समाज को कहा तुम्हारे एक बच्चे उनके 8 बच्चे, यानी तुम 8 वो 1,
20 साल का जो दृश्य होगा फिर तुम्हें कहेगा कि जो ना माने वो काफिर है, जो काफिर है उसे जिहाद करो। ये दृश्य मैं अनिल जी के साथ